flow. Come on, come on, I'm reminiscing. Yeah, yeah, oh baby, wow. You know I'm feeling baby, come on. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दानिशे के साथ आपके सामने हाजिर हैं अफशा शफीक बेग। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे जाने पहचाने कलाकार से करवाना चाहते हैं जो कि डेनमार्क में सिर्फ आपके लिए आए हैं और ये पाकिस्तान के बहुत मशहूर सिंगर हैं जो कि फ़ारसी, पश्तो और उर्दू में गाते हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात मैं रहीम शाह साहब से कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सर, सबसे पहले तो मैं डेनिशिया टीवी की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, उसमें एक जबान आप भूल गई हैं। अच्छा, पंजाबी। पंजाबी, सिंधी, यस, सरायकी, बलोची, ये भूल गई हैं आप। बोल गई, बाकी सही बात है। लेकिन मैंने सुना था कि आप बहुत सारी जुबानों में जो है वो गाते हैं, और लेकिन अगर मैं ये लिस्ट बनाती तो शायद बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने शॉर्ट कर दिए। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। थैंक यू। तो आज हम कुछ थोड़े हट के आपसे सवाल करेंगे जो कि मैंने यहाँ एक बहुत, वो तो आपने पहले भी बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन यह कि मैंने कुछ सवाल जो है ना हमने तैयार किए हैं, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि आप, या व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि आप कब से गा रहे हैं। हाँ, मैं, मुझे पहली बार जो गाना गाया था, जब गाने का पता नहीं था, अभी भी नहीं है पता ऐसा ज़्यादा, लेकिन ये 92 की बात है कि पहली बार तिलावत छोड़ के जब मैं स्टेज पे गाने के लिए गया। आपने देखा होगा जब 9th क्लास, जब वो 10th को अल्लाह हाफिज़ कहती है, जब वो जा रहे होते हैं, पार्टी होती है छोटी सी, तो उस वक्त पहली बार गाना गाया था। लेकिन समझ में लोगों के मैं 98 में आया। अच्छा अच्छा, और वो क्यों, लोगों की समझ में क्यों आया इतनी देर से, मेरा मतलब देखें, अगर बिना स्ट्रगल के अगर आपको सक्सेस मिलती है तो वो फिर थोड़ी देर के लिए होती है। आज मुझे 14-15 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, एक के बाद दीगर, चाहे वो पश्तो में हो, चाहे सिंधी में हो, चाहे बलोची में हो, यानी मेरे मुल्क कोई भी ज़बान हो, उसमें पसीराई मिलती है अपने लोगों से, और उसकी, उसका जीता जागता सबूत ये है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। आशा, मतलब किसने कहा था कि सिंगिंग एज अ प्रोफेशन आप मतलब अडॉप्ट करें, ये आपकी अपनी मतलब एक ख्वाहिश थी या शुरू से आप बचपन से ही इस चीज़ को मतलब सोचते आ रहे हैं या फिर? ना ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि हम, मैं स्टार बनूंगा या कुछ ऐसी बात होगी। सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। बस अल्लाह को कोई ऐसी बात मेरी पसंद आ गई थी कि अल्लाह ने नवाज़ दिया इससे। लेकिन इस सारे जो सूरत हाल है, इसमें सारा क्रेडिट जाता है मेरी वालदा मोहतरमा को। अगर उनकी दुआ नहीं होती, उनकी डांट नहीं होती और वाली साहब की मार नहीं होती ना, तो आज रहीम शाह नहीं होता। अच्छा, आपने कहा सोचा कुछ और था। हाँ, तो आपने क्या सोचा था? आई मीन, हाँ, मैंने ये सोचा था कि मुझे फ़ौज में जाना, आर्मी में बड़ा अच्छा लग रहा था। ओके, और उसमें हाँ, लेकिन वो फिर वैसा बना नहीं, वो टाइम ही नहीं मिला, अल्लाह ने फिर इस तरफ कर दिया। खैर, ये भी खिदमत है अपने मुल्क की। ये बहुत अच्छी बात है। और आपको तो पता ही है कि आजकल तो वैसे भी सिंगर्स में काफ़ी हाई कंपटीशन है, तो आप ख़ुद को किस लेवल पे जो है वो देखते हैं? आप नीचे देखें, यहाँ मिलूँगा मैं आपको। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छी सोच है माशाल्लाह। ये तो बल्कि कम ही आर्टिस्ट या सिंगर्स वगैरह की इस तरह होगी, क्योंकि वो तो खुद को बहुत ही हाई मतलब वो दिखाते भी हैं और समझते भी हैं। मैंने आपको समझा दिया, तो ये बहुत अच्छी सोच है, रिस्पेक्ट फॉर दैट। एंड मैं अगला सवाल ये करना चाहती हूँ कि आपका कौन सा पसंदीदा सिंगर कौन है? मुझे बॉर्डर पार पूछ रहे हैं या मुल्क के अंदर? दोनों ही बता दें तो अच्छा। नहीं, वैसे देखिए, मुझे पर्सनली तो अगर जो पसंद है अपने मुल्क में, तो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब सलमान अली साहब। अच्छा, ग़ुलाम अली साहब। ख़वातीन में नैयरा नूर, और वैसे बॉर्डर पार जब हम जाते हैं तो सुरेश वाडेकर और सोनू निगम, यानी मैं शौक से सुनता हूँ। जगी साहब, अच्छा, बेस्ट।
अच्छी अच्छी चॉइस है मेरी है आपकी जितनी चल रही है उनको मैं भी सुनती हूँ लेकिन ऑफ कोर्स अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं जी। और आप समझते हैं कि आपसे बेहतर कोई गाना गाता होगा या बेहतर सिंगर है? बिल्कुल मुझसे बेहतर कुछ कोई एक को मेंशन करें या कोई जिनका मैंने नाम लिया मुझसे बेहतर गाते हैं आपसे? ऑफ कोर्स मतलब लेकिन मेरा मतलब है कि इसके अलावा अगर आप नहीं देखें दो तरह के अच्छे गाने वाले हैं। एक मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो अगर आप कंपटीशन की बात करेंगे तो फिर मैं सोनू निगम के साथ करूँगा। ठीक। अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरी चॉइस के बारे में तो मुझसे अच्छा गाता है। लेकिन अगर आप एक मुल्क और दूसरे मुल्क की बात करेंगे या जैसे कोई फुटबॉल का मैच ले लें या क्रिकेट कर लें फिर तो मेरा मुकाबला है बराबर का। बिल्कुल ठीक है ना। चूँकि मेरे जो मेरे मेरे वालिद ने तो मुझे मारा है, कूटा है, निशानात दिए हैं, ज़ख्मी किया है इस गाने के ऊपर, तो उसने तो माँ की गोद में था तो उसको गाना उसके बाप ने सिखाना शुरू कर दिया था। सही। मुझे तो 92 के बाद मारना शुरू किया है कि तुमने गाया क्यों, तो मेरा गाना इसलिए बड़ा हो जाता है अगर इस तरीके से देखे जाए। तो ये अभी आपने बात की है कि सोनू निगम के साथ आप कोई कंपटीशन यानी कि आप पसंद करेंगे, तो आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा या कभी इस चीज़ के मतलब रिक्वेस्ट की आई मीन कि अगर आपको ऐसा मौका दिया जाए आप खुद कभी आपने कोशिश की है कि इस मौके को हासिल करें, मतलब ऐसे पॉसिबल हुआ है कभी? मतलब नहीं ऐसे मौके नहीं आते, ऐसे मौके आते ही नहीं हैं। असल में जब कोई शो ऐसा होता है जैसे लास्ट शो मैंने किया था जब जुनैद जमशेद साहब गाना गाते थे, बल्कि अभी मेरे साथ फ्लाइट पर भी आया, वो लंदन चले गए, मैं इधर आ गया। अच्छा। मैं अबरार जुनैद जमशेद थे, वहाँ से अभिजीत था, उदित नारायण था, महिमा चौधरी, रानी मुखर्जी थी। अच्छा। और वहाँ हमने फिर बताया मेरी डोम के अंदर, वहाँ किसी एशियन ने शो नहीं किया, वहाँ पर कोई 50-60 हज़ार लोग थे। अच्छा। वहाँ पता लग गया था अब मैं अपने मुँह से क्या मियाँ मिठू बनूँ, तो वहाँ साफ जाहिर हो जाता है। चले मैं अगला सवाल आपसे ये करती हूँ कि लोगों का आपके बारे में क्या, मतलब इस दफ़ा जब आप आए हैं 10 साल बाद मुझे पता चले कि आप यहाँ पे दोबारा आए हैं, तो लोगों का क्या रिस्पांस था आई मीन 10 साल पहले और 10 साल बाद? देखें यहाँ के लोग चूँकि मेरे अपने मुल्क के लोग हैं, मेरे लोग हैं, मुझे जानते हैं, तो मुझे हमेशा से जब भी आया हूँ, अगर पहली बार आया था तो इस बार उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे उम्मीद है जो कल मेरा शो है 16 को इंशाल्लाह इसमें बड़े लोग आ रहे हैं। एक तो देखें आपकी अचीवमेंट क्या होती है बेसिकली किसी शो में, वहाँ कैसे कैसे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि लोग आपको चाहते हैं। मेरे शो में आपको बॉर्डर पार दोनों तरफ से इंडिया से भी मिलेगा। अच्छा। मेरे शो में आपको ईरानी भी मिलेगा आएगा, मेरे शो में इंडियन भी आएगा, मेरे शो में अफगानी भी आएगा। ये बहुत कम ऐसा होता है जबकि आपकी लैंग्वेज नहीं उसकी वजह पता क्या है, उसकी वजह ये है कि बस इसे कहते हैं अल्लाह का करम खास किसी पे हो। बिल्कुल। हाँ अब आपने वो पहला सवाल किया था गाने वाले, आपको पता है पाकिस्तान में पत्थर उठाओ तो ऐसे ऐसे गाने वाले आपको मिलेंगे कि आपकी सोच है, हम डर जाते हैं उनसे बाज़ुकात, लेकिन बस वो मंजरियाम पे नहीं आते, हम मंजरियाम पे आ गए दो गाने गाते। हाँ लेकिन यहाँ के लोग हमेशा से जितने भी हम बाहर जाते हैं जैसे लंदन चले जाते हैं, यूरोप आ जाते हैं, बहुत प्यार मिलता है यहाँ पर, बहुत प्यार मिलता है। बल्कि आप खुद देख लें कि जब मेरी और आपकी बात हुई थी अभी कैमरे के पीछे, तो हम तो ऐसे मिल रहे थे जैसे कि कोई सगा आ गया हो। बिल्कुल। तो अब सोचें अब आपको ये फील होता है तो हमें कैसा फील होता होगा, और हम आते ही आप लोगों के लिए। सही बात है। नहीं ऐसा ही है, उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स भी ऐसा ही सोच रहे होंगे और हमें इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स संडे वाले दिन कॉन्सर्ट पे आएंगे जो कि ईस्ट हॉल में हो रहा है और 6 बजे का टाइम है, और जैसा कि फ्लायर्स पे भी लिखा हुआ है कि आप टिकट्स जो हैं वो पंजाब रेस्टोरेंट और पंजाब स्वीट और पंजाब रेस्टोरेंट और मिन्हा ब्लॉक्स पर ख़रीद सकते हैं। तो अब ऐसा कि आपके प्रोफेशन के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें की हैं, तो आप थोड़ी सी आपकी फैमिली लाइफ के बारे में बताइए कि आपकी बीवियाँ शिवियाँ अपना क्या कहते हैं बच्चे। कितने हस्बैंड हैं आपके? मेरे एक। अच्छा पकड़ लिया आपने बहुत जल्दी। देखिए पर्सनल में नहीं, मैं आपको ये बता दूं नहीं मेरा मतलब आपकी नहीं 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 बिल्कुल आपका सवाल बजा है और मुझसे पूछना भी चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी। मेरा मतलब कि आपकी लैंग्वेज इतनी आप बोल सकते हैं तो मुझे 5-6 शादियां करनी चाहिए।
हम ये जुल्म तो नहीं कर सकते, वो वैसे ही डेनमार्क वालों को कोसेंगी कि जी हम लोगों ने यहाँ पे आए हैं और इतनी बड़ी जाति की आपके साथ, ये नहीं हम कर सकते। लेकिन फिर भी आप बताएं थोड़ा सा अपना फैमिली लाइफ, अपने बच्चों का, मतलब वो आपको कैसे देखते हैं, बहुत प्राउड होते हैं जब आप बाहर आउट कंट्रीज में आते हैं तो वो क्या मतलब फील करते हैं कि बहुत लोनली हो गए हैं या फिर आपके सक्सेस में वो भी मतलब एक हिस्सा है? बच्चे मेरे हैं माशाल्लाह 16, ये तो आपके लिए खराब। नहीं अभी आप मजाक करें ना मेरे। नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ। आप मुझसे शादियाँ वादियाँ पूछ रहे हैं, आपने उसमें जमा का लफ्ज जोड़ा है। जी बिल्कुल। अगर आप कहते थे कि आपने शादी की है तो समझ में आता कि फिर आप भी। हाँ जी। तो आपने शादियां कितनी की हैं तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे 16 बच्चे हैं इस हिसाब से। अच्छा चलिए हाँ। आप तफसीलन जरा थोड़ा बताएं कि ये इतनी तफसील से बताऊं मैं बता दी 16 बच्चे मैं ही नहीं। अब मुझे लगता है मुझे भी ज्यादा वो हो तजस्सुस हो गया वो कि मैं आपसे पूछूं कि आपने नहीं, वो असल में आप जली सॉरी उस खातून से बीवी है कि 16 बच्चे कैसे हो गए। माशाल्लाह नहीं बड़ी बात है भाई, मैं सलूट करती हूं उन्हें और बड़ी बात है। लेकिन आपने एक्सेप्ट किया, मैं जाके उनको सलाम और सलूट दोनों। आपने खामखा मेरे 16 बच्चों पे आप शक कर रही हैं। बच्चों का मैंने इस हवाले से बताया है कि देखिए मेरे भाइयों के बच्चे हैं, फिर उसके अलावा मैं एक ट्रस्ट के लिए काम करता हूँ, सारिम बर्नी। हाँ ये ट्रस्ट है जिसमें बच्चे बच्चियाँ हैं जिसको मैंने अभी ज्वाइन किया। इससे पहले मैंने जब जलजला आया था पाकिस्तान में, वो आपको याद है, तो उसका एक प्रोजेक्ट किया था 1500 बच्चों के लिए। प्रेजिडेंट आज़ाद कश्मीर ने एक ज़मीन दी थी हमें 115 कनाल की, जो एशिया की सबसे बड़ी जगह जो आर्फन बच्चों के लिए, तो वो भी मेरे बच्चे हैं, उनके लिए काम किया वो। उस प्रोजेक्ट के बाद फिर एक प्रोजेक्ट था जब सैलाब आया था सर, उसमें कोई 400 घर बनाए थे, मेरे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, यहीं पर हैं, वो जर्मनी में होते हैं, तो हम लोगों ने मिल के वहाँ उन लोगों के लिए घर बनाए थे, उसमें बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं। अब ये बच्चे हैं मेरे, और मैं ये ज़रूर चाहूँगा इस बच्चों के हवाले से बात करने से पहले, अभी मेरे एक दोस्त हैं जिनको तकरीबन कोई 14 साल से बच्चा नहीं था, तो उसी ट्रस्ट से बच्चा दिया उनको, माशाल्लाह एक बच्ची दी है, और उनके लिए काम करता हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब इतने सारे बच्चे मेरे हो गए, मुझ पर जिम्मेदारियाँ इतनी हो गई, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी मैं बांटूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप भी उनको मेरी तरह प्यार दें, क्योंकि वो बच्चे इस वक्त रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, रुल रहे हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, ये हैं मेरे बच्चे। तो आप पहली बात ये बहुत ही अच्छा काम है माशाल्लाह, बहुत नेक काम है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन, आमीन। और अल्लाह ताला हमें भी अपना क्या कहते हैं कि इस चीज़ के लिए तौफीक दे कि हम भी ऐसे कामों में हिस्सा ले सकें, और जो लोग ऐसे कामों में लगे हुए हैं उनकी हम हर तरह से मदद कर सकें। तो आप मुझे बताएं और बल्कि हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि आपको हमसे कैसी उम्मीद यहाँ पे, मतलब आपको किस तरह की एक सपोर्ट चाहिए आपके इस प्रोजेक्ट के लिए? देखिए मैंने जिस तरीके से काम किया है पाकिस्तान में, इससे पहले जो मैंने फंड इंग्लैंड से, ज़्यादातर मैं इंग्लैंड से लेके गया, यूरोप से कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। उसकी तरीक़ेकार ये है कि देखें अभी बच्चियों की 2 शादियाँ थी, अब लाजी बात है यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं और ऐसे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने बच्चों से शादी की, आप हैरान हो जाएं देख के। उसमें ये कंट्रीब्यूशन हो सकती है यहाँ से, बिल्कुल ज़रूरी है कि फाइनेंशियली हो। एक बच्चा आदमी एडॉप्ट ना करे बल्कि वो एक महीने का एक बांध लेके इस बच्चे का स्कूल, इसका पहनना, इसका ओढ़ना, इसका रहना सहना, वो नॉर्मल सी एक वो चीज़ है। वो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल दूंगा, मेरे पास DVD है जो, और मुझे उम्मीद है कि आपकी चैनल इस बात की इजाज़त देगा कि हम वो दिखा सके लोगों को, तो वो DVD मैं आपको ज़रूर दूंगा और वो आप देखिएगा। क्योंकि बेसिकली जो टारगेट मेरा है इस ट्रस्ट के लिए वो ये है कि एक जगह है जो वो हर हाल में हमने ख़रीदनी है, तो वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, चूँकि मैं वादा कर चुका हूँ कि बकरा ईद तक इंशाल्लाह हम उसे ले लेंगे। तो मेरे चंद दोस्त यार हैं जो हेल्प कर रहे हैं, मज़ीद लोगों की ज़रूरत होगी और मुझे नहीं मिलना, शायद मुझे यहाँ से मिल जाए, एक ही आदमी मिल जाए पूरा हो जाए। जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। और मेरा एक आखिरी सवाल भी है, बल्कि सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पर्सनल आखिरी है जी? पर्सनल आखिरी है नहीं पर्सनल अच्छा। हाँ जी नहीं मेरे मतलब थोड़ा व्यूअर्स की तरफ से भी अच्छा। होगा थोड़ा हमारी टीवी से, लेकिन पर्सनल तो बहुत सारे होंगे क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था हमारा फर्स्ट टेलीफोन कॉल से मैंने आपको बताया था कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि आप सिर्फ यानी कि मैं ही आपके फ़ैन नहीं हूँ, मेरे फादर जो थे वो भी इनके फ़ैन थे, और
मैंने फर्स्ट टाइम बल्कि इनको सुना था अपने फादर की गाड़ी में, और वहाँ से मैं आपकी डीवीडी जो है, अपना सीडी जो है, वो मैं चुरा के लाई थी। नहीं मैं, हाँ जी मैं चोर, पुरानी चोर नहीं, वो ये बात थी कि मैं असल में उनकी इतनी फेवरेट थी कि मैं उनसे मांगती, और मुझे मांगती तो मिल ही जाती, लेकिन पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन वो सिर्फ एक मैं याद के तौर पे नहीं, बिल्कुल ये आपने इसलिए ली थी कि ताकि आपके फादर की याद आपके साथ। हाँ जी और वो सिर्फ नहीं, किरदार तो है ना, देखिए भाई वहाँ पे सिंगर आप थे, तो अगर आप थोड़ा सा, ये मेरी भी ख्वाहिश है बना दूं। हाँ जी, और वो उसमें जो गाना मैंने सुना था वो था चन्ना, मैं सुना देता हूँ अभी, सुन लेंगे। हाँ प्लीज। हो सामने बिठा के तेनू कराए न प्यार वे जिंदगी, तू मंगे मैं ना करा इनकार वे, चन्ना वे चन्ना तेरे नैना दिया छुरिया ने दिल चीर छड़िया, एक पल चैन न आवे वे मेरा दिल घबरावे, तेरी याद सतावे, चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना। ब्यूटीफुल, बहुत बहुत नाइस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो मैं आपसे अपना आखिरी सवाल ये करना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं सिंगिंग के लिए, तो आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, तो आप क्यों नहीं वहाँ पे गए या कभी कोशिश की है तो आप जा नहीं पाए? बड़ा दुखी सवाल पूछा है आपने। अच्छा इमोशनल हो गया आप तो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं इंडिया गया हूँ, मैंने परफॉर्म किया वहाँ पर, एक फिल्म आई थी राजपाल यादव की, हेलो हम लल्लन बोल रहे हैं, मैंने उसका टाइटल म्यूजिक किया था, मैंने खुद नहीं गाया। एक फिल्म है जो अब तक रुकी हुई है पिछले 4 साल से, टेक ऑफ, जिसका मैंने म्यूजिक किया था। दूसरी बात फिर ये थी कि दोबारा जाना इसलिए नहीं हुआ कि आपको पता है कि हर जगह एक लॉबी है, एक लॉबी सिस्टम है, एक टीम बनी हुई थी, बस मखसूस वही लोग काम करते हैं हर जगह, ये उसूल है। लेकिन जिस दिन वक्त आएगा तो इंडिया तो क्या, मैं अमेरिका भी जाऊँगा इंशाल्लाह, वहाँ भी काम करूँगा, लेकिन फ़िलहाल चूँकि मुल्क में हम कर रहे हैं और लोग वहाँ सुनते हैं, पसंद करते हैं, जिस दिन बुलावा आ गया तो इंडिया भी जाएंगे। अब आप डेनमार्क तक आए हैं तो ज़ाहिर है फिर अमेरिका भी जाएंगे जरूर। बिल्कुल, अमेरिका तो मैं कई बार जा चुका हूँ, बल्कि ईद के बाद मेरा टूर अमेरिका का ही। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर भी कॉन्सर्ट का ही है यहाँ? जी बिल्कुल, वहाँ कॉन्सर्ट्स हैं हमारे, 10 कॉन्सर्ट्स हैं हमारे, शाम के छापड़िया जो प्रमोटर हैं वहाँ पर इंडियन, उनके साथ हैं हम, ये हमारा टूर है। और यहाँ पर जो है कल इंशाल्लाह 16 जून संडे जी यहाँ है, मैं तो सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आएँ, बहुत कम आना होता है 10 साल में एक बार, उसमें भी मैं आप लोगों को ना देख सकूँ, आप मुझे ना देख सकें तो क्या फ़ायदा जीने का। आइएगा, आना ना भूलिएगा, आप आएँगे? मैं ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, और मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग ज़रूर आएँ और आके मेरी सपोर्ट। जी तो ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि आपको रहीम शाह साहब से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, और मैं सुबह कॉन्सर्ट पे भी जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपसे मुलाकात वहीं पर होगी, क्योंकि वहाँ पर भी मैं होस्ट होंगी और सबसे मुलाकात होगी। बहरहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मैं डैनिशिया की तरफ से और अफशान शफीक बेग की तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। पहले तो कभी कभी गम